नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक स्पेशल उपकरण, उसका नाम है MB प्लाउ। उसका मतलब है मोल्ड बोर्ड प्लाउ। और आपके सामने जो दिखाया जा रहा है ये दो फरों का मोल्ड बोर्ड प्लाउ है। आज हम जानने की कोशिश करेंगे ये जो पावर ट्रैक ट्रैक्टर के अंदर ये मोल्ड बोर्ड प्लाउ किस तरीके से जोड़ा जाता है, किस तरीके से इसको निकाला जाता है, और इस मोल्ड बोर्ड को लगाते हुए कौन कौन सी अलग अलग सेटिंग ट्रैक्टर में उपलब्ध है, और उपकरण के अंदर कौन कौन सी सेटिंग उपलब्ध है। तो आइए पहले इसकी जोड़ने की बारे में जानकारी लेंगे। पहले जो है, जो जब ये MB प्लाउ आप जोड़ोगे तो लेफ्ट वाला लोअर लिंक यहाँ जोड़ोगे, फिर राइट वाला लोअर लिंक इस तरीके से जोड़ोगे, फिर बाद में लास्ट में आप टॉप लिंक जोड़ोगे। आप सोच रहे होंगे कि क्यों लेफ्ट वाला पहले कर रहे हैं, राइट वाला लोअर लिंक क्यों नहीं कर रहे हैं। ये क्योंकि इसके जो पीछे जो लगी हुई है इसको बोलते हैं लिफ्ट रॉड। ये लिफ्ट रॉड के अंदर सेटिंग उपलब्ध होती नहीं है, तो पहले मैं जब इसको ऐसे जोड़ूंगा तो आसानी से ये जुड़ जाता है, और जब मैं इस तरीके से राइट वाला जोड़ने की कोशिश करूंगा, अगर ये एंगल में ठीक नहीं है तो इसको मैं एडजस्ट करके, लोअर लिंक को एडजस्ट करके, ये लोअर लिंक ऊपर नीचे होते हुए ये जो पिन है इसको एंगल में लेते हुए मैं इसको जोड़ूंगा इस तरीके से। तो इसलिए सेकेंड टाइम हम राइट वाला लोअर लिंक जोड़ते हैं, और आखिर में हम जोड़ेंगे इसका टॉप लिंक। तो टॉप लिंक को जोड़ने के लिए आपको पिन की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि ये जो पिन है ट्रैक्टर के साथ, ये टॉप लिंक के साथ उपलब्ध होता है। ये जो दिख रहा है ये कैटेगरी 2 का पिन है। तो ध्यान रहे दोस्तों कि ये जो कैटेगरी 2 का पिन है इसी को इस्तेमाल करें। मार्केट में ऐसा होता है कि ये पिन मिला नहीं तो कोई नट बोल्ट डाल दिया, पतला सा पिन डाल दिया, तो सेंसिंग काम नहीं करेगा। उसके साथ दोस्तों ये भी ध्यान रहे, ये जो लिंच पिन है, तीनों पिन के अंदर ये लिंच पिन डालना भी बहुत ज़रूरी है। जब ये लिंक लगा लेते हो, ध्यान रहे दोस्तों यहाँ छोटी सी एक स्लॉट के अंदर हम लिंच पिन देते हैं, लिंच पिन को डालना ना भूलिए। इसी प्रकार से राइट साइड में भी उपलब्ध है पिन, इस पिन को भी डालना ना भूलिए। इसका फ़ायदा ये है कि जब आप बिना लिंच पिन चलाओगे, चलते हुए ट्रैक्टर में कई बार ये पूरी लोअर लिंक बाहर आने के संभावने होते हैं, तो लिंच पिन उसको जोड़ के रखने की कोशिश करता है। दोस्तों जिस तरीके से मैंने ये इम्प्लीमेंट जोड़ने के बारे में बात किया, उसी प्रकार से जब इम्प्लीमेंट को उतारोगे तो कौन सा पॉइंट पहले खोलोगे, तो पहले आप खोलोगे टॉप लिंक, और खोलोगे राइट साइड लोअर लिंक, फिर खोलोगे लेफ्ट साइड लोअर लिंक। तो इसका मतलब यह हो गया, जिस तरीके से आपने जोड़ा था उसकी ठीक उल्टी तरीके से आप इसको उतारने की कोशिश करोगे। इससे फ़ायदा यह है कि कम मेहनत में आप इम्प्लीमेंट को जोड़ भी लोगे और कम मेहनत में इम्प्लीमेंट को निकाल भी दोगे। तो दोस्तों अभी बात करेंगे, इम्प्लीमेंट तो हमने जोड़ दिया, इसको जोड़ने के बाद इसमें कौन कौन सी सेटिंग उपलब्ध है। तो पहले हम बात करेंगे ट्रैक्टर में कौन कौन सी सेटिंग हम MB प्लाउ जोड़ने के बाद कर सकते हैं। तो इसमें तीन सेटिंग आपको उपलब्ध होगी। पहला जो सेटिंग है वो है टॉप लिंक सेटिंग, और दूसरा जो है वो है राइट साइड का लोअर लिंक सेटिंग, या लिफ्ट रॉड सेटिंग भी बोलते हैं। और जो तीसरा जो होता है वो होता है अपना स्टे बार। राइट साइड में एक स्टे बार होता है और लेफ्ट साइड में एक स्टे बार होता है। तो तीनों सेटिंग अभी देखने की कोशिश करेंगे हम। तो जो टॉप लिंक, या तो आप इसको टाइट कर सकते हो या तो इसको लूज कर सकते हो। जब इसको आप टाइट करोगे तो क्या होगा, सोचिए ये इसकी हॉरिजॉन्टल एंगल है पूरी इम्प्लीमेंट की। टाइट करोगे तो क्या होगा, आगे वाली जो फरो है नीचे की तरफ बढ़ जाएगी, मतलब इसकी जो सक एंगल है वो बढ़ जाती है, मतलब आगे की पेनिट्रेशन बढ़ जाती है। आसानी से बार पॉइंट की मदद से वो ज़मीन के अंदर घुसने की कोशिश करेगी। अगर इसी टॉप लिंक को खोलोगे तो ये जो एंगल है ये ऊपर की तरफ होने लगेगी, मतलब आगे वाली पेनिट्रेशन ना के बराबर या कम होने लगेगी। तो ये वाली सेटिंग आपको दोस्तों मालूम हो गया। दूसरी जो है, जब आपने इसको सक एंगल से सेट तो कर दी, मगर पीछे वाला जो फरो है हल्का सा उठा रहता है, तो उसकी भी आपको पेनिट्रेशन सही करनी है। तो आप करोगे क्या, राइट साइड वाली जो लोअर लिंक है इसको सेटिंग करोगे, या तो इसको लूज करोगे तो उतरेगी, या तो इसको टाइट करोगे तो ये ऊपर की तरफ होगी। तो इस तरीके से होगा ये इसकी सेटिंग। तो यूजुअली इसको टाइट करोगे तो ये जो पीछे वाली फरो है ये भी ज़मीन के साथ सही लगने लगेगी, और ये भी पेनिट्रेशन लेवल समानता के साथ काम करने लगेगी। अभी हम बात करेंगे इसकी तीसरी सेटिंग की, जो ट्रैक्टर में उपलब्ध है वो है इसकी स्टे बार। तो स्टे बार की सेटिंग के लिए कंपनी के द्वारा आपको ऐसे पिन मिलते हैं, स्टे बार पिन कहलाते हैं। इस पिन को लगाते हुए इसकी सेटिंग आप कर सकते हो। मेनली इस सेटिंग में आपको देखना क्या है, तो इम्प्लीमेंट तीनों पॉइंट में लगाने के बाद इसको हाइड्रोलिक से ज़रा उठाया जाता है। उठाने के बाद इसकी जो
स्विंग है, इस तरफ से ऐसे हिला के देखा जाता है कि कितनी इसके अंदर स्विंग आप रख रहे हो। तो बताया जाता है कि एमबी प्लो के अंदर अगर आप स्विंग चेक कर रहे हो आगे की तरफ, दो इंच से ढाई इंच तक स्विंग अलाउड है। दो से ढाई इंच जब स्विंग इसमें रखते हो तो क्या होगा, इम्प्लीमेंट गहराई सही लेता है। और दूसरी चीज़ जो है कि ज़्यादा स्विंग रखने से कई बार ये उपकरण की जो लोअर लिंक है ये जाके टायर को मार सकता है, तो इसलिए इसकी स्विंग एडजस्टमेंट आपको करनी पड़ती है। हाँ, इसकी जो स्टे बार की पिन कैसे डाली जाती है, देखिए ये पिन इस तरीके से डाला जाता है और नीचे की तरफ से ये लॉक की जाती है। इम्प्लीमेंट की सेटिंग से पहले इम्प्लीमेंट के बारे में थोड़ा सी जानकारी हम लेने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों अब ये इस उपकरण के अलग अलग पार्ट्स के बारे में, तो पहला चीज़ जो इस उपकरण में वो होता है मेन चीज़, वो उसको बोलते हैं ये क्रॉस शाफ्ट। ये दिख रहा है क्रॉस शाफ्ट, इसकी जो पूरी रॉड है। इस क्रॉस शाफ्ट से फ़ायदा ये है कि अगर इसको आप क्लॉकवाइज घुमा रहे हो तो या एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हो तो इसका जो विड्थ ऑफ कट होता है वो करीब करीब 2 इंच तक बढ़ा सकते हो या 2 इंच घटा सकते हो ज़रूरत अनुसार। और जो उसकी जो अलग पार्ट है वो मेन चीज़ है इसकी जो मेन फ्रेम है, ये देख रहे हो पूरी की पूरी फ्रेम जो दोनों फरों को बांध के रखता है, मेन फ्रेम कहलाता है, हो सकती है। इस पे जो मेन पार्ट है वो है इसकी जो बार पॉइंट, जो शार्प पॉइंट जो दिख रहा है। बार पॉइंट का फ़ायदा ये है कि उपकरण की जो गहराई लेगा, जो पेनिट्रेशन लेगा, वो इसी के कारण होगा। बताया जाता है कि ये जो बार पॉइंट जो शेयर प्लेट से जो आगे की तरफ है, ये जो गैप है, बताया जाता है कि 2 से 2.5 इंच रखना सही है। अगर आपके यहाँ बहुत ही नरम मिट्टी है तो आप इसको 3 से 4 इंच तक भी रख सकते हो ज़रूरत अनुसार। उसी प्रकार से जो ये शियर प्लेट है ये मिट्टी को काटने में मदद करता है, और मिट्टी जब काट के अंदर आ जाती है तो ये जो मोल्ड बोर्ड है ये मिट्टी को पलटाने में मददगार रहता है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पीछे की तरफ देखोगे तो ये जो पूरी जो फ्रेम दिख रही है इसको हम बोलते हैं फ्रॉग। ये फ्रॉग करता क्या है, मोल्ड बोर्ड, शियर प्लेट और बार पॉइंट तीनों को बांध के रखने में मददगार रहता है। इसमें जो चौथी चीज है वो यहाँ दर्शा रहा हूं मैं, इसको बोलते हैं लैंडस्लाइड। ये लैंडस्लाइड का फायदा यह है कि जब उपकरण आप जमीन के अंदर काम कर रहा है तो इसकी जो स्विंग है उसको अवॉइड करता है, मतलब इसकी जो साइड ड्राफ्ट जो आता है उसको कंप्लीट अवॉइड करता है और ट्रैक्टर में लोड आने से बचाता है। तो इसमें जब आप विड्थ ऑफ कट की बात करते हो तो एक तो आपकी जो बार पॉइंट से लाइन ड्रॉ करोगे और शियर पॉइंट की ये लाइन ड्रॉ करोगे, और जैसे टेप रखा हुआ है इस तरीके से नापा जाता है। ये देख सकते हो एक दिख रहा है, मतलब ये 12 इंच का है विड्थ ऑफ कट। अगर आपको मैं 12 इंच से 2 इंच इसकी विड्थ ऑफ कट बढ़ानी है तो कैसे करेंगे वो जानेंगे। दोस्तों अभी बात करेंगे इसकी जो क्रॉस शाफ्ट की सेटिंग। एक क्रॉस शाफ्ट को ये जो 2 बोल्टें इधर हैं 2 बोल्टें उधर हैं, तो ये यू जॉइंट को अगर जब आप लूज़ कर दे तो ये क्रॉस शाफ्ट फ्री हो जाता है। इसको या तो आप क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर सकते हो। तो जब इसको आप क्लॉकवाइज रोटेट करोगे तो इसकी जो विड्थ ऑफ कट है वो बढ़ती जाती है, जब ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हो तो इसको विड्थ ऑफ कट घटती जाती है। तो अक्सर बताया जाता है कि एमबी प्लाउ में या तो आप 2 इंच इसकी विड्थ ऑफ कट बढ़ा सकते हो या तो इसको घटा सकते हो। मगर ये एक चीज़ ध्यान रखिए दोस्तों कि कुछ उपकरण लोकल भी बनती है जिसमें 2 इंच से ज़्यादा भी विड्थ ऑफ कट बढ़ सकती है या कम भी बढ़ सकती है, तो ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अभी देखिए दोस्तों इसकी जो क्लॉकवाइज रोटेट करने से इसकी विड्थ ऑफ कट में क्या फ़र्क आती है, उसमें रॉड डालिए। अभी देखिए इसको क्लॉकवाइज हम रोटेट कर रहे हैं क्रॉस शाफ्ट को, तो किस तरीके से इसकी विड्थ ऑफ कट बढ़ती हुई जा रही है अभी देख सकते हो भाई लोग। जब हमने क्रॉस शाफ्ट को क्लॉकवाइज घुमाया तो इसकी 2 इंच जो विड्थ ऑफ कट है वो बढ़ गई है, 12 से लेकर 14 हो गई है। तो इसी प्रकार जब आप इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करोगे तो ये 12 इंच से 10 इंच भी हो सकता है। तो या तो आप इसको घटा सकते हो या तो इसको बढ़ा सकते हो विड्थ ऑफ कट। दोस्तों अभी इसकी दूसरी सेटिंग के बारे में हम बात करना चाहेंगे, उसको बोलते हैं लेटरल एडजस्टमेंट। तो पहले इस उपकरण को ऑब्जर्व कीजिए जिस तरीके से इसको बांधा हुआ है। तो जब ये टॉपलिंग लगी हुई है तो ट्रैक्टर की जो सेंटर लाइन है इसको हम बोलते हैं पुल लाइन, और जो इम्प्लीमेंट पीछे से जो इसकी जो टॉपलिंग लगती है इसको जो बोलते हैं हम ड्राफ्ट लाइन। तो कहा जाता है ये ट्रैक्टर की जो खिंचाई है पुल लाइन और इम्प्लीमेंट जब गहराई में जाके पीछे से ड्राफ्ट करती है वो ड्राफ्ट की लाइन, दोनों लाइन सीधी होनी चाहिए। अगर ये ड्राफ्ट की लाइन थोड़ी सी ऑफसेट है ट्रैक्टर की पुल के अतिरिक्त तो क्या होगा, साइड ड्राफ्ट बढ़ जाता है, इसका मतलब ट्रैक्टर एक तरफ खींचना शुरू कर देता है। तो इसके लिए करते क्या है, अक्सर
तो या तो ये स्टे बार लूज करके इसको टाइट कर देते हैं तो वो गलत है। इसमें होगा क्या कि स्टे बार की जो स्विंग है वो पूरी टाइट हो जाती है तो डेप्थ में इशू आता है। तो उसमें करना क्या होगा आपको, बहुत सिंपल है। इसमें जो चार बोल्टें हैं जो क्रॉस शाफ्ट रॉड जो है उसको कनेक्ट करती है, यहाँ दो बोल्ट है और यहाँ दो बोल्ट है, ये दोनों बोल्ट खोल के आपकी ये जो रॉड है इसको सेट करना पड़ता है, लेटरली इसको मूव करना पड़ता है जिस तरीके की जरूरत होती है। इससे होगा क्या, ट्रैक्टर की पुल लाइन और इम्प्लीमेंट की जो ड्राफ्ट लाइन दोनों लाइन एक ही लाइन में आ जाएंगे। तो इन लाइन में आने से फायदे, ट्रैक्टर जब खींचेगा तो इसकी जो ड्राफ्ट साइड ड्राफ्ट जो है वो पूरी मिट जाती है और इम्प्लीमेंट सीधी सीधी खींची जाती है, मतलब कम डीजल की खपत में ज़्यादा आप जुताई कर सकते हो। इसमें दूसरी एक प्रॉब्लम भी आती है अगर इसकी जो लेटरल मूवमेंट सही सेट नहीं है, आइए दोस्तों उसको दिखाएं। इसमें देखिए जब ये आप प्लोइंग करते हो आगे निकलते हो तो राइट साइड वाला व्हील जो रहता है हमेशा फरो के अंदर होता है, तो जब ये फरो के अंदर रहता है तो एज टू एज में इसकी जो शेयर जो कटिंग होती है प्लव की तो वो बगल में होनी चाहिए, मगर इस स्थिति में देखिए क्या हो रहा है, यहाँ मैं रॉड रख के दिखा रहा हूँ, जो टायर है वो निकल रही है फरो के अंदर से, मतलब इस लाइन के भीतर वो निकल रही है ऐसे, और जो प्लव की कटिंग है वो इस लाइन में निकल रही है। ये जो गैप है ये अनप्लोड लैंड है, मतलब यहाँ जुताई हुई नहीं है, तो इसको अवॉइड करने के लिए ये जो ऊपर की जो सेटिंग है लेटरल मूवमेंट सेटिंग, तो इन बोल्टों को लूज करके इसको जब आप अंदर लगाते हो तो उपकरण इस तरफ आ जाती है, मतलब उपकरण इस तरफ आने से पूरी की पूरी जुताई सही होने लगती है। कुछ उपकरणों में अगर आप ये हासिल नहीं कर पा रहे हो तो ये गैप बनी रहती है, तो उसमें अगर आपको इम्प्लीमेंट में सेटिंग से कुछ हो नहीं रहा तो एक ही आपको जरिया रहेगा, वो होगा इसकी जो व्हील की जो ट्रैक है वो व्हील ट्रैक को ही अंदर की तरफ आपको लेनी पड़ेगी ताकि अनप्लोड लैंड है बिना जुता हुआ जो लैंड है वो भी पूरी जुताई कर सके। दोस्तों देखिए हमने ये लैटरल एडजस्टमेंट इस तरीके से इसको इस तरफ से खिसका दिया, मतलब उपकरण इस तरफ आ गया, तो ये देख सकते हो आप टॉप लिंक अभी मतलब इम्प्लीमेंट का जो ड्राफ्ट लाइन है वो ट्रैक्टर की जो पुल लाइन है दोनों के दोनों एक ही लाइन में आ गए हैं, ये एक फ़ायदा हो गया। और दूसरी जो है जैसे कि मैंने यहाँ बताया था अनप्लोड लैंड बिना जुताई हुए जो रह रहा था वो देख सकते हो जो टायर की एज की लाइन है और इसकी जो प्लोइंग लाइन पहले इतना गैप था अभी जो कटिंग जो लाइन है वो टायर के एज के हिसाब से आ रहा है, मतलब जुताई 100% हो रही है इसमें। ओके दोस्तों सेटिंग तो हो गए, दो और मुख्य चीज़ों के बारे में मैं बताना चाहूँगा, वो है एक है स्पैन विड्थ और दूसरी जो है मास्ट हाइट। तो ये जो स्पैन विड्थ वो होती है जो लोअर लिंक का जो राइट हैंड साइड और लोअर लिंक का जो लेफ्ट हैंड साइड में जो उपकरण आप बांधते हो तो यूजुअली जो उपकरण की जो विड्थ भी कह सकते हो जहाँ उपकरण बांधी जाती है। तो 50 HP के ट्रैक्टरों में अगर बात करोगे तो ये 27 इंच कहा जाता है, ये सही रहता है, मगर अगर बड़े HP में जाते हो तो यूजुअली ये स्पैन विड्थ उपकरण के हिसाब से बड़ी भी होती है, 30 भी होती है, 32 भी होती है। तो ये स्पैन विड्थ इतनी होनी चाहिए ताकि ये उपकरण बांधने के बाद उपकरण में जब आप स्विंग चेक करते हो स्टे बार पिन को निकाल के, वो स्विंग में करीब करीब 2 से 2.5 इंच होनी चाहिए। अगर ये स्विंग नहीं मिल रही है तो पूरा ही अरेस्ट कर रहे हो तो दिक्कत वो होगा कि आपके उपकरण डेप्थ नहीं ले पाएगा, मतलब ज़मीन के अंदर पेनिट्रेशन सही नहीं ले पाएगा, तो वही है इसकी जो स्पैन विड्थ की लिमिट। दूसरी जो चीज़ है इसकी जो मास्ट हाइट की अगर हम बात करें तो यहाँ देख सकते हो ये जो टॉप लिंक लगी हुई है इस तरफ से थोड़ी उठी हुई है और इस तरफ से झुकी हुई है, क्योंकि अभी उपकरण जो है वो समान ज़मीन के अंदर हमने लगाया हुआ है ट्रैक्टर के साथ, मगर जब यही उपकरण ट्रैक्टर के साथ ज़मीन के अंदर जाती है तो उपकरण नीचे की तरफ जाता है क्योंकि ज़मीन के अंदर जुताई करने के लिए जाता है। तो तभी होता क्या है कि ये जो एंगल है ये सीधी हो जाती है, तो ये सीधी होगी हॉरिजॉन्टल तो आपका सेंसिंग यूनिट बहुत बढ़िया काम करते रहेगा। ध्यान रहे कि अगर आपकी सेटिंग ये जो मास्ट हाइट है बहुत ही कम है तो जब ये उपकरण ज़मीन की में जाने के बाद इस तरफ की जो है वो नीचे जाएगी और ट्रैक्टर की तरफ ही ऊपर चली जाएगी, तो इस एंगल में होगा क्या, उपकरण में कुछ ड्राफ्ट आ रही है, हैवी ड्राफ्ट आ रही है, पत्थर आ रहा है या कोई रूट आ रहा है, तो ये सेंस अपना हाइड्रोलिक नहीं कर पाएगा कोई भी ट्रैक्टर हो। तो आपको करना ये होगा जब मास्ट हाइट डिसाइड कर रहे हो, जब बांध रहे हो तो हमेशा यहाँ उठी होनी चाहिए, यहाँ नीची होनी चाहिए, जब जुताई कर रहे हो तो दोनों सेम एंगल में हॉरिजॉन्टल लाइन में आ गया तो बहुत बढ़िया काम करेगा, हल्का सा उठा है तो चलेगा, ज़्यादा उठा या ज़्यादा नीचे तो नहीं चलेगा, वो होती है मास्ट हाइट की सेटिंग। और इसके बाद अभी बात करना चाहूँगा ये जो दिख रहा है आपको
टॉप लिंक माउंटिंग ब्रैकेट बोलते हैं। तो हमारे ट्रैक्टरों में देखिए आपको तीन होल आती है, 1, 2 और 3। सबसे ऊपर वाला जो होल होता है ये हार्ड सॉइल के लिए, बीच वाला जो होल होता है ये मीडियम सॉइल के लिए, और नीचे वाला जो होल होता है वो सॉफ्ट सॉइल के लिए। जैसे आपके यहाँ जमीन है हार्ड, मीडियम या सॉफ्ट, उस प्रकार से अगर आप टॉपलिंग को माउंट करोगे तो जुताई कम डीजल की खपत में होती रहेगी। और एक चीज, मुख्य चीज मैं बताना चाहूंगा, पावर ट्रैक जो ITLS मॉडलों में ऐसी एक पिन दी जाती है, ये पिन डाला जाता है यहाँ ये टॉपलिंग माउंटिंग ब्रैकेट को लॉक करने के लिए। तो सीधा सीधा बोले तो इसकी सेंसिंग लॉक कर देती है। इसका फायदा यह है, ये भारी उपकरण जब आप घर से खेत या खेत से घर ले जा रहे हो तो ये पिन लगाने से ये जो सेंसिंग, जो उबड़ खाबड़ रोड में जाने से जो है सेंसर फालतू में दबते रहता है, वो दबेगा नहीं। मतलब आपकी सेंसिंग यूनिट लंबे आयु तक बिना कोई रुकावट चलती रहेगी। मगर ध्यान रहे, जब आप खेत में चले जाते हो, जुताई स्टार्ट करना चाह रहे हो, तो ये पिन निकाल के अपने टूल बॉक्स में रख लो ताकि सेंसिंग यूनिट एक्टिवेट हो जाए काम करने के लिए। एमबी प्लो की अगर बात करें, देखिए एमबी प्लो में आपको 6 इंच से लेकर 20 इंच की जो विड्थ ऑफ कट में अलग अलग साइजों में मिलती है, और एमबी प्लो में आपको सिंगल फरो से लेकर 4 फरो तक भी उपलब्ध है, और एमबी प्लो के अंदर आपको नॉर्मल प्लाउ भी मिलता है और रिवर्सेबल प्लाउ भी मिलता है। तो जैसी आपकी ज़रूरत है ट्रैक्टर की HP के अनुसार आप विड्थ ऑफ कट, रिवर्सेबल, नॉन रिवर्सेबल, वैसे आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ देख सकते हो कुछ उपकरण है मेरे पास, दिखा रहा हूँ। ये जो देख रहे हो ये है 2 फरो वाला 16 इंच कटिंग का सबसे बड़ा प्लव उपलब्ध है। यहाँ ये देख सकते हो, ये भी 2 फरो वाला नॉन रिवर्सेबल है, ये 12 इंच कटिंग के साथ उपलब्ध है। तो यहाँ आइए, ये जो उपकरण आप देख रहे हो ये 3 फरो वाला MB प्लव है और 16 इंच की कटिंग के साथ आता है। और यहाँ आइए, ये जो प्लव आप देख रहे हो 3 फरो वाला है, मगर इसकी जो कटाई है ये 14 इंच की कटाई में उपलब्ध है। इसी प्रकार से अभी आप यहाँ देख सकते हो, ये उपलब्ध है 2 फरो वाला प्लव है और ये रिवर्सेबल है। तो ये मैन्युअली रिवर्सेबल है, ये जो रॉड मिलती है इससे आप इसको रिवर्स कर सकते हो। मतलब चलते हुए इस तरफ से आप जब जुताई कर रहे हो तो एक तरफ से आपने फरो में चले गए और वहीं से यू टर्न करके फिर इसको रिवर्स कर दिया ताकि ये 2 प्लव नीचे आ गए, तो वहीं यू टर्न करके साइड बाई साइड मेथड भी इसमें आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसी प्रकार मैं और दिखाऊंगा, एक हाइड्रोलिकली माउंटेड रिवर्सेबल प्लव भी आता है। यहाँ देखिए, ये जो उपकरण आपको दिखा रहे हैं ये हाइड्रोलिकली रिवर्सेबल है, जिसमें आपको 2 फरो नीचे हैं, 2 फरो ऊपर हैं, और इसको पलटाने के लिए इस उपकरण में ऐसे 2 पाइप आते हैं, तो दोनों पाइप आप QRC कपलर से माउंट कर दोगे और इसमें जो हाइड्रोलिक लीवर्स है उसकी मदद से आप इस उपकरण को पलटा सकते हो।